पंक्चर हो गई बाइक हमारी एंड यहाँ पे कील आया था। तो अपनी कंपनी में पेट्रोल भरवाने का मज़ा अलग है भाई। जय श्री राम। सो अभी दिस इज़ आवर डे टू एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर राइड फ्रॉम पठानकोट टू श्रीनगर। और रात में हम लोग यहाँ पे एक द होटल पठानकोट इन करके वहाँ पे रुक गए थे। लाइट सो हमने गलत टर्न ले लिया आई गेस। या सो अभी आवर फर्स्ट टारगेट इज टू रीच उधमपुर एंड देन वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है तो हमारा एक राइडिंग टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा विच इज अराउंड 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर फॉर सिंगल राइड। सो या वी फाइनली फाउंड दिस थिंग बिफोर एंटरिंग इनटू लद्दाख। व्हाट इज दिस? आई डोंट नो व्हाट इज दिस। आई थिंक फ्लड का वाटर था। 37 किलोमीटर जम्मू 88। सो जम्मू यार जितना मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम जब मैं वैष्णो देवी गया था तो जम्मू तविया, जम्मू तवी तक तो हम ट्रेन से गए थे एंड देन जम्मू तवी से फ्रॉम कटरा के लिए हमने बस लिया था। तो एक पॉइंट था जहाँ से ले के लिए रास्ता कट हुआ था एंड आगे के लिए माँ वैष्णो देवी के मंदिर साइड गया था। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमें वही रूट पकड़ के जाना है और होपफुली रास्ता उधर सही हो। अभी तक तो बहुत सही रोड मिला, मतलब मुझे फ्रॉम माई होम टाउन टू टिल दिस पॉइंट रोड इज़ ऑसम मैन, मतलब व्हाट अमेजिंग वर्क। ऑलराइट गाइस, सो अभी प्रॉब्लम एक हो चुका हमारे साथ ऑलरेडी, पंक्चर हो गई बाइक हमारी एंड यहाँ पे कील आया था और एक ही तो अभी दिखा, बट लेट्स सी कि कोई और तो नहीं है। लग मुझे पहले से ही रहा था कुछ तो हो रहा है गड़बड़, बट मुझे लगा रोड की वजह से है। सो फ्रंट वाला तो सही लग रहा है। कील मैंने यहीं कहीं रख दिया था। तो अभी संदीप गया हुआ है पंचर वाले के पास, देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है, अदरवाइज बाइक लेके जाना पड़ेगा भाई। व्हाइट इज ऑलवेज अ रॉयल एनफील्ड मैन। ऑल राइट, तो अभी संदीप जहाँ पे गया था पंचर वाले के शॉप पे, वो बंदा बोल रहा है मैं बना नहीं पाऊँगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा धक्का लेके राउंड साइड से जा रहे हैं, आगे ही आई थिंक एक पंचर की शॉप है, वहाँ पे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। अभी हम लोग पंचर की शॉप से जस्ट 10-20 किलोमीटर ही चले हैं एंड रात में जैसा मैं बता रहा था कि आई डोंट नो व्हाई 130 किलोमीटर में ही 4 घंटे क्यों दिखा रहा है। सो नाउ आई हैव गॉट माय आंसर कि सारे रूट जो हैं इधर के ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और डाइवर्जेंस बना के रखे हुए हैं, तो कभी सिंगल लेन है, कभी सिंगल वे ही, आई मीन सिंगल रोड है, तो अप डाउन बोथ उसी से हो रहा है। तो दैट्स इट इज़ टेकिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम और स्पीड आप 60-70 के आसपास नहीं ले जा सकते, 60 ही मैक्स रख रहा हूँ मैं अभी क्योंकि मेरा पंचर भी अभी जस्ट ही बनवाया मैंने आई मीन। तो या अभी एक स्टॉप लेते हैं कहीं पे, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं एंड देन विल प्लान कि कैसे आगे कंटिन्यू करना है।
करंटली इज 12:36 एंड जम्मू इज स्टिल 36 किलोमीटर। सो अभी थोड़ा रुकने का टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि थोड़ा यार चाय वगैरह नहीं पिया है सुबह से, तो थोड़ा सर भारी भारी सा लग रहा है। एंड वो पंक्चर की शॉप पे हाफ एन आवर से ऊपर ऑलमोस्ट 45 मिनट लग गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो गया। एंड अभी पंक्चर बनवाने के बाद हम कंटिन्यू चल ही रहे हैं, कहीं पे रुके नहीं हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक देना ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चल जाएगा एटलीस्ट कि पंक्चर का क्या स्टेटस है एंड लाइक वो रिलायबिलिटी थोड़ी पता चल जाएगी, राइट। एंड लुक एट द व्यू। ऑलराइट गाइज, सो वेलकम बैक। करंटली इट्स 3:38 और हम लोग कटरा पहुँचने वाले हैं। कटरा इज अराउंड 20 किलोमीटर फ्रॉम हियर और अभी कटरा एंड देन उधमपुर, कटरा से ऑलमोस्ट अराउंड 40 किलोमीटर है। एंड मौसम बहुत बुरा हो रखा है, बहुत गर्मी है। एंड अभी श्रीनगर जम्मू में ही, तो जैसे ही हमने जम्मू में एंट्री लिया वहाँ से ही ऑलमोस्ट सारे NH44 पे वर्क चल रहा है एक्चुअली। तो फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टू टिल दिस पॉइंट कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो देर आर लॉट्स ऑफ डाइवर्जन्स एक्चुअली, इसलिए इतना टाइम लग रहा है हमें पहुंचने में, और एवरेज स्पीड 60 से ऊपर मेंटेन भी नहीं हो पा रहा है। सो अभी 5 घंटे दिखा रहा है श्रीनगर यहाँ से। सो अभी करंटली हो रहा है टाइम 3:40, तो सब राउंड ऑफ मैं मानता हूँ 4 बज रहा है और 6 घंटे लगेंगे, तो 6-4-10। सो कल के टाइम पे ही जितने टाइम हम पठानकोट पहुँचे थे उतने टाइम ही आई एम टारगेटिंग की वी विल रीच। सो या लेट्स सी। वेलकम बैक, इट्स 5:32 राइट नाउ एंड वी आर येट टू रीच श्रीनगर। वी हैव टेकन अ स्टॉप फॉर अराउंड 1 to 1:30 hours। सो अभी मौसम शाम हो चुका है, शाम हो चुका है ऑलरेडी। एंड वो टाइम पे यार थोड़ी धूप की वजह से थकावट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने थोड़ा बाइक में चैन क्लीनर वगैरह डाला एंड चैन क्लीन किया एंड देन बेसिक चेकअप कराया बाइक का कि एवरीथिंग इज गुड टू गो और नॉट। सो एवरीथिंग इज गुड टू गो, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स श्रीनगर एंड आज हम श्रीनगर में रुकने वाले हैं एंड कल हम प्रोबेबली कल लेह के लिए निकलेंगे, विच इज अराउंड 400 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। एंड हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि श्रीनगर लेह हम कल पहुँचें। सो फाइनली हम लोग उधमपुर में आ चुके हैं, और मज़े की बात यह है कि हम उधमपुर आ चुके हैं, बट उससे भी मज़े की बात यह है कि हम रिज़र्व में 90 किलोमीटर चला चुके हैं और 10 किलोमीटर के अंदर अगर जो पेट्रोल पंप नहीं आया, नॉट 10, 9 किलोमीटर के अंदर, तो भाई फॉर द फर्स्ट टाइम पेट्रोल के लिए बाइक घुमाना पड़ेगा भाई पैदल इधर उधर, एंड वी डोंट हैव एनी जेरी कैन एंड ऑल करेंटली। सो आई होप 9-10 किलोमीटर में कोई पेट्रोल पंप मिल जाए भाई, अदरवाइज तो लगने वाली है अच्छे से।
पेट्रोल पंप हमें मिल चुका है फाइनली, और एक नहीं तीन तीन पेट्रोल पंप। पीछे हिंदुस्तान का था, BPCL, इंडियन ऑयल, और तीनों के शेयर मेरे पास नहीं, आई मीन हिंदुस्तान के नहीं है, इंडियन ऑयल एंड BPCL के तो हैं भाई। तो अपनी कंपनी में पेट्रोल भरवाने का मज़ा अलग है भाई। प्राइस क्या है यहाँ पे भाई? यहाँ पे 82 रुपये पर लीटर। अच्छा डीजल है सर, पेट्रोल ये है पेट्रोल 96 रुपीज़ पर लीटर। हमारे यहाँ कितना है? 91 है सर। पकड़ना दुनिया में गर्म